गेहूं के आटे का पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इसके अंदर हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा काफ़ी हेल्दी होता है और खाने में भी बढ़िया लगता है, तो इसलिए हम गेहूं का आटा यूज़ करेंगे। तो सारा गेहूं का आटा हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका सख्त आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। जैसे पूड़ी के लिए लगाते हैं, सेम वैसा ही आटा हमें लगाना है। तो देखिए, पानी हमने थोड़ा थोड़ा डाला था और इसका जो टाइट डो लगा के तैयार कर लिया है। और अब हम इसको कवर करके करीब 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इससे पास्ता बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको एक बार इस तरीके से मस लेंगे। तो ये हमने एक बार इसको अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे, थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरीके से हम लोई बना लेते हैं हथेलियों में, अच्छे से गोल गोल करके इसको। जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं सेम प्रोसेस से वैसे बना लें। ये देखिए, हमारी लोई बन के बिल्कुल तैयार है। और सेम प्रोसेस से अपनी सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। सारी लोइयाँ हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम एक लोई लेंगे और ये हमने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, तो इसे हमें बेलना है। जैसे आप रोटी बेलते हैं सेम प्रोसेस से वैसे हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेते हैं ताकि हमें बेलने में दिक्कत ना हो। तो चारों तरफ से हम एक सार बेलेंगे, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसे ना बेलें, बराबर से अच्छे से बेलेंगे। ये देखिए, हमने इसको बेल के तैयार कर लिया है और एक सार बेला है। कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा ना बेलें। तो एक्स्ट्रा डो हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो चारों तरफ से हम इसको कट करेंगे। अब हमने इसको चारों तरफ से एक सार कर दिया है। अब हम इसमें 1-1 इंच की दूरी पे कट के निशान लगाएंगे। तो ये हमने 1-1 इंच की दूरी पे कट के निशान लगा दिए हैं और दूसरी साइड भी कट के निशान लगाएंगे। तो जितना आप इसको बड़ा या छोटा रखना चाहते हो उसके अनुसार इसमें कट के निशान लगाएं। और इस तरीके से हमें इसको हल्का सा प्रेस करना है, बस दोनों साइड से पकड़े और हल्का सा प्रेस कर दें। तो ये हमारा पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है, वो भी रिबन की शेव का। तो आपको जो शेव पसंद हो वो इसमें बना सकते हैं, कोई भी। तो ये हमने बना के तैयार कर लिया है। मैं दूसरा ही बना के दिखाऊंगी। बस दोनों साइड से इस तरीके से पकड़े और हल्का सा प्रेस कर दें इस तरीके से। बस ये बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ईजीली बन जाता है। तो सेम प्रोसेस से हम सारे पास्ता बना के तैयार कर लेते हैं और फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसको फटाफट बना के तैयार कर लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो आपको जो शेव पसंद हो आप वो बनाएं। अब हम इसे उबालेंगे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। पास्ता उबालने के लिए हमने कढ़ाई ली, गैस की फ्लेम ने ऑन कर दी है और पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, सारा नमक हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। तो तेल से क्या होगा, हमारा जो पास्ता होगा चिपकेगा नहीं। तो 2 चम्मच के करीब तेल हम इसमें डाल देते हैं और पास्ता हमारा काफ़ी खिला खिला रहेगा। अच्छे से मिलाएंगे और हाई फ्लेम पे पानी को अच्छे से उबलने देते हैं। फिर हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया, तो मैंने सारा पास्ता इसके अंदर डाल दिया है। और पास्ता को हम हाई फ्लेम पे उबालेंगे, तो कवर ना करें, बिना कवर करें हम इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ठंडे पानी में पास्ता ना डालें, जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसके अंदर पास्ता डालें। तो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से उबलने देते हैं। पाँच से छः मिनट हमने इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे उबाल लिया है और हमारा पास्ता है वो अच्छे से पक गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पास्ता है वो कितना खिला खिला है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो सारा पास्ता हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। सारा पास्ता हमने इस छन्नी में निकाल लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में।
ये देखिए हमने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम में ऑन कर दी है, तेल हमने इसमें डाल दिया है करीब 2 चम्मच। तो तेल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम जीरे को अच्छे से लाल होने देते हैं। जीरा हमारा अच्छे से लाल हो गया है, तो जीरे को हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। सारा प्याज हम इसमें डालेंगे, ये सारा प्याज हमने इसमें डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा चला लेते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 3-4 मैंने लहसुन की कली ली है, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। सारा लहसुन अब इसमें डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो डाल लें, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम रखिए, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट भून लेते हैं। ये देखिए हमने 2 मिनट इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। प्याज हमारे हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। सारी शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, येलो शिमला मिर्च हो गई, बीन हो गई, जो भी आपको पसंद हो, या जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं वो सब्ज़ी इसमें डालें। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। सारे टमाटर हम इसमें डालेंगे। या जो सब्ज़ी आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे टमाटर हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे। तो इसमें आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इससे हमारी सब्ज़ी जल्दी गल जाएगी। तो ये मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है। नमक हमने कम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने नमक आटे में भी डाला था, और जब हमने पानी में उबाला था तब भी नमक यूज़ किया था। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ करें। और सारा नमक हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। 2 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। और ये देखिए हमारे जो टमाटर और शिमला मिर्च है वो हल्के से गल गए हैं, तो हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर यह हम इसमें डाल देते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है, तो इससे थोड़ा सा तीखापन आएगा। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है लेकिन तीखा थोड़ा कम होता है। तो टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आता है और इससे जो टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो सारा मैगी मसाला हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। सारा मैगी मसाला हमने इसमें डाल दिया है, तो अच्छे से हम सारे मसाले इसके अंदर मिलाएंगे। सारे मसाले हमने इसमें अच्छे से मिला दिए हैं, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 2 चम्मच, ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, इससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके करीब 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट हमने इसको कवर करके लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटो सॉस ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच टमाटो सॉस लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिलाएंगे, इससे कलर भी बढ़िया आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो जो हमने पास्ता उबाल के रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। ये सारा पास्ता इसमें डालेंगे और अच्छे से इस ग्रेवी में मिलाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो कवर कर देते हैं, 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से कवर करके पका लिया है और हमारा जो पास्ता बन के बिल्कुल तैयार है। तो गर्मा गर्म सर्व करिए, बच्चों बड़े दोनों को बहुत पसंद आएगा। तो बनाइए अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।